हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम पास आ गया है तो अब आपको बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने की, टेस्ट वगैरह देने की नीड है, ठीक है। और अपने आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ पर पहुँची है। आज की जो क्लास है ये हमारे पास होने वाली है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पे। जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है उसका लास्ट सब यूनिट है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन इसमें ठीक करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज से हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। हम क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किया करेंगे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डेविड एफ एबल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोशल चेंज आर देयर। देखें क्लास पे अगर आप नया है कोई यहाँ पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर दिया करें। अब बताएं ज़रा, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताएं ज़रा अकॉर्डिंग टू डेविड एफ जो हमारे पास एबले है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोशल चेंज आर देयर। कितनी टाइप्स की सोशल चेंज होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग कितनी हमारे पास चेंजेस थी, बताना ज़रा सोशल चेंज। आपको ये आंसर देना था तो इसके मुताबिक हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है। तो याद रखना हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कितनी है? 4 टाइप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। पहली डिफ्यूजन थी, पहली का नाम क्या था? डिफ्यूजन। दूसरी का नाम क्या था? एकुलटुरेशन। और तीसरी का नाम था इनोवेशन। और चौथी का नाम था रिवोल्यूशन। अब मैंने चारों के नाम भी बता दिए, आपको एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना क्या क्या बताया मैंने आपको। मैंने बताया डिफ्यूजन, दूसरा बताया एकुलटुरेशन, तीसरा बताया मैंने इनोवेशन, चौथा बताया मैंने रिवोल्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 162, विच फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन कल्चरल आर्डर। यहाँ पे पूछा गया साइकोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा फैक्टर है सोशल चेंज का जो इन्फ्लुएंस होता है बाई चेंज इन कल्चरल आर्डर में। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, कौन सा ऐसा फैक्टर सोशल चेंज का जो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय चेंज इन कल्चरल आर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कल्चरल फैक्टर। ओके, कल्चरल फैक्टर ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 163, विच फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लेजिस्लेशन एंड लीगल मेजर्स। आपने बताना है कौन सा ऐसा फैक्टर है सोशल चेंज का जो इन्फ्लुएंस होता है लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर लीगल मेजर के थ्रू। ऑप्शन है आपके सामने बायोलॉजिकल फैक्टर, फिर आपके सामने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, लेजिस्लेशन। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, कौन सा ऐसा फैक्टर है सोशल चेंज का जो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय लेजिस्लेशन से एंड लीगल मेजर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन फैक्टर जो है सोशल चेंज का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है लेजिस्लेशन से एंड लीगल मेजर से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया अब यहाँ पे 64, विच फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन पॉपुलेशन डायनामिक्स। कौन सा फैक्टर है सोशल चेंज का जो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय चेंज इन पॉपुलेशन डायनामिक्स से। ऑप्शन ए डेमोग्राफिक चेंज, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी आइडियोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन डी लेजिस्लेशन। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज जो हमारे पास होती है ना, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सोशल चेंज में वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं चेंज इन पॉपुलेशन डायनामिक्स से। क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप सब ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट 165। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, के सोशल चेंज का मीनिंग क्या है हमारे पास। एनी अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट थ्रू टाइम, या फिर हमारे पास ऑप्शन है बी चेंज दैट अकर इन ह्यूमन इंटरेक्शन, या फिर वेरिएशन इन ज्योग्राफिकल कंडीशन, या मॉडिफिकेशन इन कल्चरल इक्विपमेंट। आपको इसका आंसर बताना था, बताएं ज़रा क्या आंसर होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, चेंज दैट अकर इन ह्यूमन इंट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं हमारे पास सोशल चेंज। क्या मैंने कहा चेंज जो अकर करती है ह्यूमन इंट्रैक्शन में, ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है इसका, सोशल चेंज का। तो ये अपने याद रखना है सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें किसकी हो जाना, सोशल स्ट्रक्चर्स की, इंस्टीट्यूशंस की, बिहेवियर्स की, नॉर्म्स की एंड वैल्यूज़ की ओवर टाइम। तो ये अपने याद रखना है, इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल डायमेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 166 की। 166 क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 166 आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट डज डेविस स्पेसिफिकली रेफर्स टू एज द फोकस ऑफ सोशल चेंज, सोशल, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल, इक्विपमेंट, ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर नन ऑफ दीज? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट डज डेविस स्पेशली रेफर्स टू एज द फोकस ऑफ सोशल चेंज? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेविस स्पेशली रेफर्स टू एज द फोकस ऑफ सोशल चेंज थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 167 की बात करते हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट एंड क्वांटम ऑफ सोशल चेंज? कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं रेट एंड क्वांटम ऑफ सोशल चेंज को? बायोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ऑल ऑफ दी बो? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं द रेट एंड क्वांटम ऑफ सोशल चेंज को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। सभी ने यही आंसर दिया होगा। चलिए 168 की बात कर लेते हैं, विच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिस्क्राइब किया जाता है मोस्ट पावरफुल फैक्टर सोशल चेंज के लिए? ज्योग्राफिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, एजुकेशन? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन फैक्टर जो होता है ये डिस्क्राइब किया जाता है एज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 169 क्या होने वाला है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज एजुकेशन एम्फिसाइज एज द बेसिस फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कंट्री? बताएं ज़रा, विच फैक्टर डज एजुकेशन एम्फिसाइज एज द बेसिस फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कंट्री? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनालिसिस इन चेंज, लीडरशिप इन सोशल चेंज, नेशनल डेवलपमेंट? बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कौन सा ऐसा फैक्टर है एजुकेशन में जो एम्फिसाइज करता है बेसिस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कंट्री के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 170 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 आपसे पूछा गया है, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस फैमिली एंड जेंडर रोल्स? इट लेड्स टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बनाइजेशन, इट ब्रिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट अल्टर्स ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड जेंडर रोल्स, इट लेड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस फैमिली एंड जेंडर रोल्स? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इट अल्टर्स ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड जेंडर रोल्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 171 क्वेश्चन की। 171 क्या पूछा गया, व्हाट इज ए कंटेम्प्रेरी चैलेंज रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एड्रेस्ड इन द टेक्स्ट? आपसे पूछा गया है कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या होता है रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी? लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ गर्ल फ्रेंडली स्कूल इन्वायरमेंट, या फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर पॉवर्टी? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज ए कंटेम्प्रेरी चैलेंज रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एड्रेस्ड इन द टेक्स्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक हमारे पास चैलेंज है रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी में, तो ये आपने याद रखना है। 172 पूछा गया, हाउ ऑफन इज ए वुमेन सेक्चुअली हरेस्ट इन इंडिया? एवरी आवर, एवरी डे, एवरी 12 मिनट्स, या फिर द टेक्स्ट डज नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑफन इज ए वुमेन सेक्चुअली हरेस्ट इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवरी 12 मिनट्स। ठीक है, एवरी 12 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए 173 की बात करते हैं, 173 आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस? बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, इंक्रीज प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉइज, इक्वल ट्रीटमेंट एंड पे फॉर ऑल एम्प्लॉइज, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड पे बेस्ड ऑन जेंडर, इंकरेजमेंट ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन द वर्क फोर्स? क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड पे बेस्ड ऑन जेंडर। ओके, यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड पे बेस्ड ऑन जेंडर। यह क्या है, वन कॉन्सिक्वेंस है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का वर्क प्लेस में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 174 की। 174 क्या पूछा गया आपसे, 174 हो चुका है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है 174। व्हाट इज वन इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम? इंक्रीज्ड सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस, इन्हांस्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पब्लिक स्पेसेस, या इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग पावर? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज वन इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम? तो रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पब्लिक स्पेसेस, ये हमारे पास एक इम्पैक्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इंडिविजुअल फ्रीडम में, तो ये आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 170 जो हमारे पास 6 होने वाला है, सोशल चेंज मे रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सच एज, जैसे कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिक्रीज इन बर्थ रेट्स, डिक्रीज इन माइग्रेशन, डिक्रीज इन अर्बनाइजेशन। क्या होगा आंसर? सोशल चेंज मे रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सच एज, कौन सी चेंज? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, आप सब ने ये करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 177, क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहाँ पे, द बटरफ्लाई इफेक्ट। मैंने ये ग्रुप में भी डाला था, द बटरफ्लाई इफेक्ट इन चोव्स थ्योरी इन एनालोगस टू विच एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज, स्मॉल चेंज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, प्रिडिक्टेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक आउटकम्स, रैपिड एंड अब्रप्ट चेंज, या फिर कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाला था, आप सब ने आंसर किया था इसका, मैक्सिमम लोगों ने अच्छा आंसर दिया था इसका, अच्छा रिस्पांस दिया था। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें, अगर किसी ने भी मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो हमारे पास सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं वो आपको 20 मिलने वाले हैं और वो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, और सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो रहे हैं, उसमें से हमारे पास एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ बचा हुआ है, वो हम जो फर्स्ट वाला था वो अब 5 जून को ही ले लेंगे, और एक मॉक टेस्ट हम आपका फुल लेंथ एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ले लेंगे, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इतना हम आपके लिए करें, अब आपका काम ये है कि आप अच्छे से मेहनत करें। चलिए, द बटरफ्लाई इफेक्ट इन चोव्स थ्योरी इज एनालोगस टू विच एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्मॉल चेंज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही था। बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है हमारे पास जो थ्योरी में, वो सजेस्ट करता है कि जो स्मॉल चेंजेस होती हैं वो लेड टू लार्ज होती हैं और अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, मच लाइक हाउ ए बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन वन लोकेशन कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 178 की। 178 क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, 178 पूछा गया है, विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकेंड, विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी, एम्फेसाइज ऑन रूरल एरियाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये हमारे पास एक ऐसा एस्पेक्ट है सोसाइटी का, इज़ ओवर एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। ओके, फिर बात कर लेते हैं 179 की। 179 क्या पूछा गया हमसे, 179 क्वेश्चन हमें पूछा गया यहाँ पे, डैश इज़ द प्रोसेस वेयर बाई द इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर एंड टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश इज द प्रोसेस वेयर बाई द इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नन ऑफ दिस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई द इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम द बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। 180 क्वेश्चन पूछा गया, डैश एसेंशियली represents the whole process of learning throughout the life course and is central influence on the behavior, beliefs and actions of adults as well as children. Socialization, industrialization, privatization, none of these. बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, socialization जो होता है ये essentially represents करता है whole process of learning को throughout the life course and is central influence on the behavior, beliefs and actions of adults as well as of children. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बाकी आपको ये याद रखना है जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, कुछ डिफरेंट हमारे पास जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो सोशलाइजेशन के रिलेटेड हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास सिंबॉलिक जो हमारे पास इंट्रैक्टिविज़्म है, जो फोकस करती है कि कैसे इंडिविजुअल इंट्रैक्ट करते हैं सिम्बल्स और इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग इन सोशल इंट्रैक्शन में। अब ये वाली सिम्बॉलिक इंट्रैक्टिविज़्म जो है ये थ्योरी किसने दी है, ये नोट कर लें, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा आपने ये बताना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है ये किसने दी है। क्या कहा मैंने? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी के बारे में बताना है, जिसके व्यूज़ हैं सोसाइटी एज ए कम्प्लेक्स सिस्टम कंपोज ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। एक तो ये हो गई। तीसरे नंबर पर आपने कन्फ्लिक्ट थ्योरी बतानी है किसकी है, एम्फेसिस जो करती है रूल ऑफ पावर
कोरिशन एंड इनइक्वेलिटी इन सोसाइटी में बताती है जो हमारे पास। उसके बाद फेमिनिस्ट थ्योरी किसने दी हुई है सोशलाइजेशन के बारे में, ये आपने बताना है। और पोस्ट मॉडर्निज्म किसने दी हुई है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। नोट करें कॉपी पे जो मैंने ये पांच बताई, पहली कौन सी बताई मैंने आपको, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्टनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म। देखें मेरी क्लास से आपको ये आइडिया होगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे। ये जो पांच पॉइंट मैंने बोले ना, इन थ्योरीज़ के नाम आपने नोट किए होंगे और आपने बताना है ये किसकी दी गई थ्योरीज़ है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना, मैं चेक करूँगा। चलिए, नहीं तो हो सके तो ग्रुप में शेयर कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे 181 डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट कल्चर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इनटू ए सिंगल वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट कल्चर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इनटू ए सिंगल वर्ल्ड मार्केट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस तरह से इन क्वेश्चन को फ्रेम किया कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट कल्चर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इनटू ए सिंपल, जो हमारे पास सिंगल वर्ल्ड मार्केट होता है, तो ग्लोबलाइजेशन इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं 182 क्वेश्चन की। 182 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डैश एसेंशियली रिप्रेजेंट्स द ऑल ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कोर्स एंड इज ए सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर बिलीव्स एंड एक्शन ऑफ एडल्ट एज वेल एज ऑफ चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सोशलाइजेशन, ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 183 व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल वुड इट बी टू से दैट यूनिवर्सिटीज आर कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट लो, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डिस फंक्शन या फिर मैनिफेस्ट फंक्शन या फिर अपेरेंट फंक्शन या लेटेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल वुड इट टू बी टू से दैट यूनिवर्सिटीज आर कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट लो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेटेंट फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 183 हो गया, 184 की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे 182 ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डैश कल्चर इज यूथ रिवॉल्ट, बताएं जरा एक प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डैश कल्चर इज यूथ रिवॉल्ट, इवोल्यूशनरी एडेप्टिव काउंटर सोसाइटियल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कल्चर जो हमारे पास क्या है, इज यूथ रिवॉल्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे काउंटर, ओके। ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं, हमने बात कर ली 182 की, तो 182 हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 183 भी कर दिया था। 184 की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फिलासफर पुट आउट द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स चेंज ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज आर इवन मिलेनिया एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, हुक, डार्विन, वाटसन, आइंस्टाइन, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डार्विन, ठीक है। डार्विन ने क्या किया था, पुट आउट द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स चेंज ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज ओवर मिलेनिया एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 185 आपसे पूछा गया, ए थ्योरी कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज डैश ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटियल इवोल्यूशनरी अडैप्टिव, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे अडैप्टिव। ए थ्योरी कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज डैश अडैप्टिव, ओके। 186 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 क्या पूछा गया है, 186 है हमारे पास यहाँ पे, द टर्म अर्बन कम्युनिटीज रेफर्स टू दोज एरियाज दैट आर सराउंडेड बाई वॉल्स ऑफ फेंस एंड हैव डैश एंट्रेंसेज एंड एग्जिट्स, गेटेड, काउंटर रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, द टर्म अर्बन कम्युनिटीज रेफर्स टू दोज एरियाज दैट आर सराउंडेड बाई वॉल्स और फेंस एंड हैव गेटेड एंट्रेंस एंड एग्जिट्स, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 187 की। सोशियोलॉजी वाज द क्वीन एंड इट्स जो हमारे पास प्रैक्टिशनर्स वाज द साइंटिस्ट प्रीस्ट वाज सैड बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टी, सी डब्ल्यू मिल्स, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आज के इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त कॉम्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनने कहा है सोशियोलॉजी वाज द क्वीन एंड इट्स प्रैक्टिशनर्स वाज द साइंटिस्ट प्रीस्ट वाज सैड बाय अगस्त कॉम्टी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 188 क्वेश्चन की। 188 क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी ए सोशल नॉर्म्स वॉन्ट बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इफ इट डज नॉट सपोर्ट द स्टेबिलिटी आर एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मेटिव परस्पेक्टिव, फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव, स्ट्रक्चरलिस्ट परस्पेक्टिव या फिर कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
हमारे पास फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी एक ऐसी है जिसमें सोशल नॉर्म्स वॉन्ट बी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इफ़ इट डज नॉट सपोर्ट द स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 189। इन दिसंबर 2004 ए नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक पोर्शंस ऑफ तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अंडमान आइलैंड्स वाज काउंटर एंथ्रोपोलॉजिकल रिवर्सल इरिवर्सल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरिवर्सल। ठीक है, दिसंबर 2004 में एक नेचुरल डिजास्टर ने स्ट्रक किया पोर्शन ऑफ तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अंडमान आइलैंड को, तो ये हमारे पास एक इरिवर्सल क्या था, हमारे पास याद रखना नेचुरल डिजास्टर था। अब लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 190। एग्जांपल ऑफ डैश इंक्लूड द फ्रेंच रिवोल्ट 1789-93 एंड द सोवियत ऑफ रशिया रिवोल्ट ऑफ 1917, अपराइजिंग, इवोल्यूशन, मसाकर, रिवोल्यूशन, इसको क्या कहेंगे आप, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे रिवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है, रिवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, तो 190 का हमारे पास आंसर क्या है, डी रिवोल्यूशन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, आज हमारे 190 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको जो मैंने यहाँ पे थ्योरीज बोली थी उनके नाम आपने मेंशन करने हैं, ज़रूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर देते हैं। बाकी आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हम डेली आपके लिए लेक्चर लाते हैं। अब मसला ये है कि आपके मॉक टेस्ट भी बनाने होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वीडियोज़ जो लाते हैं ये कंटिन्यू लाते रहें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर करते रहें। बाकी ये है कि जो हमारे पास सुबह की क्लास होती है साइंस की, वो आप नहीं मिस किया करें, और जो नए हैं तो उन्हें मैसेज करना है 8492886188 पर, किसके लिए, हमारे मॉक टेस्ट के लिए। नंबर दोबारा लिख लो 8492886188 के लिए, और बाकी भी अपडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो बाकी एक क्वेश्चन आया था किसी एस्पायरेंट का कि आप वैक्सीनेशन वाला जो टॉपिक है उसकी PDF शेयर करें, तो कल मैं बना के आपको वो PDF भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना। ठीक है, हम आपकी हर एक सलूशन का हल निकालने के लिए तैयार है हर वक्त। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, हो सके तो अगर आज टाइम मिला तो कंप्यूटर पे हम MCQs डिस्कस करेंगे 10 बजे के बाद, उसे आपने एज अ मॉक टेस्ट लेना है यहीं यूट्यूब पर, तो सभी उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन लाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से जैसे साइंस की भी सीरीज़ चल रही है ये भी चल रही है, तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे, इंग्लिश की क्लास भी हो रही है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।